आज हम ये प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी और हम ये बहुत अच्छी है, लेकिन एक यूट्यूबर ने आगे से शुरू किया था, मगर तो के प्लान ये पीछे से काफी जो है हम इसमें ज़ॉम्बीज खेलेंगे, मतलब हम इनमें से इसमें हमें ज़ॉम्बी से लड़ना पड़ेगा और पता नहीं हम ये हाँ, इसका प्लान वैसे ज़ॉम्बी 2 भी खेलेंगे। हम नहीं चाहते कि इनमें से एक चीज शो होए, तो ओके अब हम यहाँ पे लगाएंगे गाइस। मैं चाहता था हमारा काम है कि ना हमें ना सन को लेना जो ऊपर से आता है, और ना हमें उस सन को लेके ना ये देखो 100 सन का एक प्लांट है, इन दोनों प्लांट ना शूट करते हैं, हमें ना इन सब प्लांट को ऐसे लगाते जाने ताकि प्लांट ज़ॉम्बी को शूट करते जाएं। और ये गेम हमारे ईसा को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन खेले बगैर ये अभी स्कूल से आया था, और अभी ये स्कूल से आते ही इसने यही गेम खेला, ये इतनी इसे गेम इतनी पसंद है आपको कुछ पता ही नहीं चलता है। हाँ लेकिन इस गेम में सिर्फ 3 शूटर ही नहीं शूट करता, हाँ और भी गेम में अभी और भी प्लान्स हैं, इसमें गेम में अभी और भी प्लान्स हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग में आपके पास सिर्फ यही प्लान है और इस प्लान का नाम है 2 शूटर। हाँ लेकिन पीछे कार है जो और देखिए यहाँ पर हमें एक सन प्लान मिल गया, इससे हमें और सन मिलेंगे, ये आप देख ही सकते हैं इस पर यहाँ पे लिख रहे हैं हमें और सन मिलेंगे। जब हम बहुत आगे चलने जाएंगे तब मैं आपको एक कीमती प्लांट के बारे में बताऊँगा, वो प्लांट बहुत देर बाद हमें मिलेगा, बहुत दिनों बाद। और सनफ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको शुरू में ना एक लाइन बिल्कुल ना सनफ्लावर्स की लगानी होगी, क्योंकि उससे जल्दी सन मिलता है और हाँ। रात में ऊपर से सन शायद ना मिले हाँ ले तो के वो रात होती है, जितने ज़्यादा आपके पास सनफ्लावर्स होंगे सनफ्लावर्स आपको सन देते जाएंगे और पी शूटर को पैदा कर लेंगे, मतलब हम इससे हमें 2 शूटर भी मिल सकता है, अगर हम ये देखे सनफ्लावर ने सन दिया और इसकी वजह से हमें 2 शूटर मिल रहे हैं, और इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि लेकिन एक वॉलनट कुछ ऐसे प्लांट्स हैं इसमें जैसे ज़ॉम्बी नहीं खा सकते। हाँ जैसे कि गाइस एक ऐसा प्लांट है उसका नाम स्क्वॉशरूम है, वो उसे ना कोई भी ज़ॉम्बी नहीं खा सकता, जैसे एक वॉलनट है जो भी वो भी एक प्लांट है, लेकिन लेकिन उसे भी ज़ॉम्बी नहीं खा सकते, नहीं उसे खा सकते हैं, मतलब मेरा वो प्लांट वॉलनट नाम का वो जो प्लांट है उसे ज़ॉम्बी असल में खा सकते हैं, मेरा मतलब के एक बम वाला वॉलनट है उसे ज़ॉम्बी नहीं खा सकते, तो के वो अरे हाँ सही कहा है, वो एक बम वाला वॉलनट है और जब भी कोई ज़ॉम्बी उसके पास आता है वो फट जाता है, तो और वो एक बहुत ही अच्छा है, उसे यूज करना बड़ा मुश्किल है, आसान है, हमें उसके लिए बस ऐड देखनी पड़ेगी जो कि मैं नहीं देखना चाहता और मैं करूँगा भी नहीं, वो हमें गेम में ही मिल जाएगा। हाँ बस हमें सिर्फ एक बार ही मिलता है, ऐसे तो बस टाइम वेस्ट होगा, तो गाइस आप ये मत कीजिएगा, अगर आप अगर आप चेक करने का कि वो कैसा है तो कर लेना, और जब ये गेम आप हार जब ये एक वेव ख़त्म होने वाली होती है तब यहाँ पे आता है ह्यूज वेव आ रही है, और उसके बाद बहुत सारे ज़ॉम्बीज आते हैं, मतलब बड़ी लोग आएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज आएंगे, मैं आपको इस गेम के बारे में सब कुछ समझाने की कोशिश की है, और वो बम वाला ज़ॉम्बी हार्ड लेवल में बड़ा यूज करना पड़ेगा हार्ड लेवल में, और आप देख सकते हैं हमारे पास कितने सारे 2 ये चेरी बम फटता है और ज़ॉम्बीज को मार देता है, इसे भी ज़ॉम्बीज नहीं खा सकते, जितने प्लांट्स को ज़ॉम्बीज नहीं खा सकते मैं उनका बारे में आपको बताता जाऊँगा। हाँ लेकिन गाइस अभी बताना ज़रूरी नहीं है हम, क्योंकि वॉलनट को नहीं खा सकते ये तो, अरे हाँ यार समझ आ गया, वॉलनट को खा सकते यार तेरे को क्या समझ आएगा, अच्छा इस वाले से हमें वॉलनट तो वॉलनट मिलेगा करने से, और इसमें ना ऐसे ज़ॉम्बीज हैं जिनने हेलमेट पहना हुआ है, वाह
तो ये हेलमेट वाले ज़ॉम्बीज है, तो तैयारी के साथ इन्हें जुगाड़ से दिमाग बना लिया, लेकिन हमें शायद इनका दिमाग तोड़ना पड़ेगा। नहीं यार, इन्हें बस हमारा दिमाग चाहिए होता है, इनके पास दिमाग ही नहीं होता। तो इन्हें उन्होंने जुगाड़ करके दिमाग किया बनाया। सच्ची में ये पागल हो चुके हैं। नहीं, इनके पास दिमाग है ही नहीं, ये बस दिमाग दूसरों का खा जाते हैं। पता नहीं इन्हें क्या मिलता है दिमाग दूसरों का खाने से, है ना? सही कहा ना मैंने? हाँ, ये सच्ची में पागल है, लेकिन हमें ऐसी पागल बिल्कुल लूप की तरह है। हमें पागलों वाली चीज़ें हमें पागल नहीं बोलना, क्योंकि ये चैनल में हम पागल वाली गंदी बातें हम नहीं कहेंगे अब से। सही कहा ना? यहाँ बीच पे तो आपने पीछे डर लगाया ही नहीं। अरे मैं लगा रहा हूँ, बताओ ना, वो भी आ गया मैंने। तो गाइस, हमने यहाँ से थोड़ी देर बाद आएगा तो ये पीछे डर से मार देगा। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये गाड़ियाँ किस लिए होती हैं, अगर हम भी रहा भी जाएँ तो ये उन्हें क्रैश करके मार देते हैं। हाँ गाइस, अगर आपके पास हेलमेट वाला आपके सामने ज़ॉम्बी आ जाए तो आपको तो गाइस हमें थोड़ा सा हमारे पास कट कर दिया था हमने, क्योंकि हमें ज़रूरत थी कट करने की, थोड़ी कट, लेकिन अगर परफेक्ट टीम नहीं हो तो हो सकता है कि ये वाला ज़ॉम्बी हमें खा जाए, हेलमेट वाला हमारे एक प्लान को। तो इसलिए आपको इसके लिए ज़्यादा प्लान लगाने पड़ते हैं। हाँ गाइस, जितने भी आप ज़्यादा बी शूटर लगा सकते हैं उतने ज़्यादा आप बी शूटर लगाएं, क्योंकि बी शूटर बहुत ही कीमती होते हैं प्लान, जो कि मैंने लगाया है। इसकी तरह ही इससे भी ज़्यादा पावरफुल प्लान था जो होते हैं। और गाइस, अब ह्यूज वेव आने वाली है। हाँ, लेकिन एक प्लांट की एक ही कमजोरी, क्या बात है? मुझे नहीं पता एक प्लांट की क्या कमजोरी होती है। नहीं, वो एक पंच करने वाला तो गाइस पता है ना होता है। हम ना चेरी बॉम्ब को यूज करना चाहेंगे। देखिए गाइस, हमने चेरी बॉम्ब को यूज किया, हमने भी जुगा को नहीं यूज किया, हमने आपको दिखाया कि चेरी बॉम्ब किस काम आता है। और हम आपको बाकी प्लांट्स के बारे में भी बताएंगे कि कौन सा प्लांट किस काम आएगा, कौन सा प्लांट किस काम आएगा। अगर आप इस सब के बारे में पता करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और टर्न ऑन पोस्ट नोटिफिकेशन, ताकि आप हमारी चैनल की नई वीडियो अगर हम अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाए। लेकिन एक बात है, या कोई बात नहीं है, कि एक प्लांट ऐसा है जिसकी सिर्फ एक ही कमजोरी है। या फनी बात यह है कि एक प्लांट की एक कमजोरी। हाँ गाइस, ये हर एक कुछ कुछ प्लांट की कमजोरी होती है, जैसे कि सनफ्लावर किसी भी ज़ॉम्बी को मार नहीं सकता, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन सनफ्लावर से हमें बी शूटर मिल सकता है और हम उस बी शूटर को यूज़ करके जैसे वो पंच करने वाला प्लांट होता तो है। गाइस, हम आपको बताएं दिखाएंगे कि ये वॉलनट को कैसे यूज करते हैं, इसका नाम वॉलनट खाते शुरू में तो वो खाते खाते मर जाते हैं। नहीं, वो खाते खाते नहीं मरते यार, तुम भी ना क्या होते हैं देख ही लेते हैं। ये खाते खाते नहीं मरते, ये बस इससे इनका टाइम वेस्ट होता है, और ये तो बस इन्हें रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैंने नहीं पता क्या, अब पता चल गया होगा तुम्हें तो। वैसे हमारे ईसा को भी ज़्यादा कुछ नहीं पता इस प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी गेम के बारे में, ज़्यादातर तो मुझे पता है। और असल में मुझे भी पता है, बस मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगी कि प्लांट बहुत ही ज़्यादा फनी आपको लगेगा कि एक प्लांट की एक ही कमजोरी है। नहीं, प्लांट का नाम मुझे नाम मैं भूल गया यार, इसे तो कुछ याद ही नहीं रहता। हाँ मूसा, मुझे तंग मत करो मेरे भाई। अरे यार,
भैया। तो गाइस ये हमारी बहन थी, इसका नाम अर्मिश था। ये बहुत दुनिया की सबसे गंदी बहन होगी, मजाक कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बहन है, ये हमें पानी भी ला के देती है, इतने अच्छे हमारे काम करती है। क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बच्ची है, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बच्ची है। मैंने तो बहुत कुछ कह दिया वैसे भी। वैसे वो जो रात में काम करते हैं, एक अच्छी बात बताऊँ, जो रात वाले लेवल के उनमें छोटा वाला प्लांट होता है, मिलता है, और वो दिनों का होता है उससे। अरे यार वो दिनों का प्लांट नहीं होता यार, तुम बिना क्या कहते रहते हो। हाँ लेकिन वो बहुत कीमती प्लांट है। हाँ यार वो कीमती है बहुत। तो गाइस आप आई एम खलील को सब्सक्राइब कर लें, हम उसके बहुत ही बड़े फ़ैन हैं, यही सा हमारा बहुत ही बड़ा फ़ैन है। और इस चैनल को ज़्यादा चलाने वाला तो ईसा ही है, तो आप प्लान सब्सक्राइब कर लें। रंबी टू मज़ेदार है, उसमें काफ़ी अच्छा प्लांट है। रंबी वन ही अच्छी लगती है, लेकिन प्लांट वैसे रंबी टू भी अच्छी है। वैसे गाइस आप कमेंट करके बताना कि आपको ये गेम कैसी लगी, और इसका आप चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें। आप ये बता देना कि आपको प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी 2 ज़्यादा अच्छी लगती है या अपनी प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी 1। हमने अगर आप चाहेंगे तो हम प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी 2 भी खेलेंगे, अगर आप चाहें तो हम प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी 2 भी खेलेंगे। ये वाह गई। हाँ अच्छी टीम है। ये तंग करता है मुझे, तंग करता है। ओके कॉपी राइट नहीं करता। यहाँ पे टेरी बॉम आ गए, मैं टेरी बॉम यूज करने चाहता हूँ। अब टेरी बॉम यूज करना, ये खाता खाने में बिजी रहेगा। अब हमें शावर मिल चुका है, हम इससे किसी भी प्लान को हटा सकते हैं। हमें एक दूसरा, अगर हमें दूसरा प्लांट एक ये वाला बड़े मजेदार है तो ये लेवल मैं करूँगा। नहीं ये मैं करना चाह रहा हूँ। इस बंदे का नाम है क्रेजी देव। हमें इसकी जंग बनानी होती है, लेकिन है कि ना अब मैं ये हमें इसने हमें सिखाया, ये हमें वॉलनट दे रहा है, हमें वॉलनट को फेंकना पड़ेगा। मुझे खुद नहीं पता कि कैसे काम करेगा, लेकिन हमें ऐसे वॉलनट को फेंकना पड़ेगा। मैं यार करना चाहता हूँ, तुम ये बाद में कर लेना, लेकिन अभी मुझे करने दो क्योंकि मुझे भी ये बहुत पसंद है। मैं बम वाला लगाना चाहता। अच्छा ये बम वाला भी वॉलनट है, इस यहाँ पे आपको अलाउ होता है, इसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं, आपको एयर नहीं ज़रूरत पड़ेगी। और ये वाला वॉलनट बहुत ही अच्छा वॉलनट है और कीमती वॉलनट है। अब हम यहाँ लगाएंगे ये वाला वॉलनट, और ये रंग वाला वॉलनट भी बड़ा मस्त है। अगर आपको पता नहीं है कि ये वाला भी एक पूरा पूरा लेंगे तो अगर आपको प्लांट के बारे में इस गेम की लॉजिक इस प्लांट के बारे में नहीं पता तो ये प्लांट का नाम वॉलनट है यार। अगर आप में से कुछ इसका कोई नाम स्किप कर देते हैं, अरे ये कुछ नहीं करता। अरे यार इसे बस ना ज़ॉम्बीज खाते हैं और खाते रह जाते हैं, बस यही होता है। बस ये बस देखने के लिए है, जिससे हमारे प्लांट्स देखने को बढ़ते हैं। और हमने इस वाला ज़ॉम्बी का ये तोड़ दिया, हस्पिटल में तोड़ दिया। ऐसे कोई नहीं, यानी ने इतना कमज़ोर हेलमेट बनाया है यार बेचारे ने, इससे अच्छा कोई ताकतवर नहीं। तेजी देव वाला ही हेलमेट ले लेता, तेजी देव जैसा हेलमेट बनाता अगर बनाने ही था। तेजी देव हेलमेट अरे यार गाइस यूज में वाड़ी है, हमने इसे हटाने
बस एकदम ही पड़ा है। ओके हमारा ये वाला वॉलनट बहुत ही काम आएगा। पता चल काम आएगा बहुत ज़्यादा जमींदार है जमी की तादाद बहुत ज़्यादा हो जा रही है उनकी। हमें हाथ करने के लिए अब हम यहाँ पे लगा देंगे। और गाइस हमें एक नया प्लांट मिल चुका है, ये बड़ा हो गया है। ये कहाँ है इससे ये ना पहले ना छोटा होता है, जब ये छोटा होता है ना तब इसे ये ना पहले ना छोटा सा होता है, उसके बाद जब ये बड़ा हो जाता है ना तब ये ज़ॉम्बीज़ को मार पाता है। और अब गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम नाइट मोड को अनलॉक कर देंगे और एक अच्छा सा नया सा प्लांट लेंगे। हाँ, लेकिन तो गाइस अगर आप चाहते हैं कि हम नाइट मोड को अनलॉक कर दें और नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपसे मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हम आपको स्कॉशरूम दिखा देते हैं, इसका फेवरेट है ये स्कॉशरूम। मैंने ये देख कर लेकर कर सकते हैं, मतलब इन्हें मार सकते हैं ऐसे ही मारते हैं। और तब तक के लिए